तो देखिए रूम की बालकनी से कितना शानदार नज़ारा है, और ये प्रॉपर्टी हमें बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिल गई है, लेकिन वो कितना है ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना ना भूलें। ये हमारी गोवा की तीसरी ट्रिप थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना इस बार गोवा बजट ट्रिप सब्जेक्ट पर व्लॉग बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग यही पूछते हैं कि गोवा जाने में कम से कम कितना खर्च होता है। लेकिन मैंने इस व्लॉग में ऐसी बजट ट्रिप प्लान की जो कुछ हटकर थी। अक्सर YouTube में कई वीडियोस बजट ट्रिप के नाम पर गलत जानकारी देते हैं, जैसे 5 से 10 हज़ार रुपये में करें गोवा ट्रिप। दरअसल इतने पैसे में आप गोवा में अच्छी जगह रुक कर एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप लड़कों के ग्रुप में जा रहे हैं तो बात अलग है, इसलिए हमने कपल्स के लिए रहने की अच्छी जगह, खाना और लोकेशन, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रिप प्लान की। इसलिए पूरा वीडियो देखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारी गोवा की इस तीसरी ट्रिप की शुरुआत होती है मुंबई से। हम अक्सर मुंबई पहुंचकर बाय फ्लाइट गोवा पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई से गोवा की फ़्लाइट काफ़ी सस्ती होती है, ये ट्रेन के सेकेंड एसी टिकट के बराबर होता है। ऐसे में समय बचाने के लिए आप भी मुंबई से गोवा की फ़्लाइट ले सकते हैं, वरना आप ट्रेन से सफ़र करते हुए भी गोवा पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको 1500 रुपये से 2500 रुपये तक किसी भी डेस्टिनेशन से एसी टिकट मिल जाएगा। तो NH247 के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट आ चुकी है, जो 4:55 पर यहाँ से निकलेगी, और हम 1 घंटे में तीसरी बार गोवा पहुँच जाएंगे। और ये हमारे पायलट्स हैं जो अब रेडी कर रहे हैं फ्लाइट को उड़ाने की। काफ़ी लोग गोवा जा रहे हैं, क्या बात है। तो देखिए हम गोवा एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीपेड बुकिंग काउंटर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओला नहीं चलता है। तो जैसे एक गवर्नमेंट का टैक्सी ऐप है, ये गो माइल्स, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप जो है जिस भी बीच पर आपको जाना है वहाँ के यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं 800 से लेकर 2000 रुपये के बीच तक, तो वो पे करके आप उस बीच पर जा सकते हैं। आप गोवा घूमने आ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि गोवा घूमने के लिए कम से कम 5 दिन का समय निकाल कर आना चाहिए। ऐसे में एक बजट प्रॉपर्टी और अच्छी लोकेशन पर उस होटल या गेस्ट हाउस का होना बेहद ज़रूरी है। हमारी गोवा में ये तीसरी ट्रिप थी, और हमने पहले ही यहाँ कई रिजॉर्ट, होटल्स व बजट प्रॉपर्टी देख रखी थी, इसलिए हम रुके बाघा बीच पर स्थित बाघा फेंटेशिया में। यह होटल एक गेस्ट हाउस की तरह था, जिसकी सबसे खास बात इसका व्यू था। दरअसल रूम की बालकनी से सीधे बीच और अरेबियन सी का मनमोहक दृश्य नज़र आता था, जो काफ़ी सुकून देने वाला था। इतना ही नहीं, रूम से 50 कदम चलते ही हम सीधे बीच पर पहुंच जाते थे। इसका किराया भी इस व्यू के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल था, इसलिए हमने इसे पूरे हफ्ते के लिए बुक कर लिया था। तो हम हैं बाघा बीच के बिल्कुल नज़दीक, हमने लिया है बाघा फेंटेशिया बीच व्यू गेस्ट हाउस। तो चलिए इसका रूम सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यह है रूम, सबसे पहले हम अपना सामान रख देते हैं। एक वार्डरोब दिया गया है, ये एक और स्पेस है, मिरर, एक फ्रिज है। कई जगहों पर आप देखते हैं कि मिनी फ्रिज दिया जाता है, लेकिन एक उससे डबल साइज का एक फ्रिज दिया गया है, तो इसमें आप अपना बियर वगैरह या फूड वगैरह स्टोर कर सकते हैं। एक टीवी है, फ्रिज है, जो बेसिक चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। मुझे लगा था कि गेस्ट हाउस है तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन रेट है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। ये वॉशरूम है, काफ़ी साफ सुथरा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मुझे पसंद आई वो है ये गैलरी, जिससे सीधे
बागा बीच नजर आता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस गेस्ट हाउस से होटल से मैं 10 कदम वॉक करता हूं और मैं सीधे बागा बीच पहुंच जाता हूं। तो यहां बैठकर के भी आप शाम के वक्त भी एंजॉय कर सकते हैं, यहां बैठकर अपना वर्क भी कर सकते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मेरे जैसे। तो जो रेट मुझे मिला है 1500 रुपीस पर नाइट के हिसाब से, बहुत ही शानदार रूम है और ऐसा व्यू तो आपको इस रेट में बहुत ही मुश्किल है कि मिलेगा, क्योंकि तो जस्ट आप मेरे साइड से एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो टैरिफ है वो 12000 रुपये पर डे का है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, लंच का टाइम हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो बागा बीच है वो कितना दूर है। तो देखिए, ये है बागा बीच फैंटेसिया इन होटल का, होटल कह लीजिए, गेस्ट हाउस कह लीजिए, उसका रिसेप्शन, और यहाँ से हम जाएंगे बागा बीच जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। चलिए चलते हैं। तो मैं देखिए वॉक करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और इस कहना चाहिए कि इस स्ट्रीट में, गली में और भी होम स्टेज और गेस्ट हाउस हैं जहां आप रुक सकते हैं। पर आप देखेंगे काफी क्राउड है, बारिश रुकी हुई है, धूप खिली हुई है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। जहां तक मेरी नजरें जा रही है वहां तक मुझे लोग ही नजर आ रहे हैं। तो नॉर्मल दिनों में जो शेक्स होते हैं, जो बीच साइड आपको शेक्स नजर आते हैं जहां पर आप बैठ कर एंजॉय करते हैं, वो काफी आगे तक रहते हैं, लेकिन मानसून की वजह से उन्हें पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। बाकी मौसम खुला है तो काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो जब मजा आता है जब यहाँ पर जमकर बारिश होती है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि बारिश में होता क्या है कि जो मौसम में ठंडक घुल जाती है, और नहीं तो अगर मौसम यहाँ पे खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, और आप समुद्र किनारे हैं, हवा चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ही देर में गर्मी लगने लगती है और ह्यूमिडिटी में हालत ख़राब हो जाती है। तो शाम को एक बार फिर हम यहाँ पर आएंगे, मैं आपको फिर से शाम की भी कंडीशन दिखाऊँगा कि बीच पर क्या रहती है। लंच का वक्त हो गया है तो चलिए पहले लंच करते हैं। तो हमारा जो होटल है उसके पास ही साई ए पंजाबी करके एक फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट है, ये प्योर वेज है, इसलिए मैं यहाँ पर लंच करने आया हूँ। तो चलिए यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लंच में क्या खाया जाए। जब आप वेजिटेरियन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं ना, वेज में बस पनीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, पनीर पनीर पनीर। चलिए देखते हैं, पाव भाजी ट्राई करते हैं यहाँ की, बाकी साउथ इंडियन में भी है, काफ़ी वैरायटीज हैं। मैंने ऑर्डर किया है शेजवान फ्राइड राइस और पनीर चिली। वो समझ में नहीं आ रहा था, मेन कोर्स खाना नहीं था, साउथ इंडियन अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है चाइनीज ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ गोवा में अच्छा मिलता है। फाइनली हमारा फूड आ गया है, शेजवान फ्राइड राइस और बहुत ही शानदार पनीर चिली ग्रेवी।
तो हमने लंच कर लिया। फूड जो था साई ए पंजाबी रेस्टोरेंट था, वो फूड अच्छा था लेकिन क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू द प्राइजेस क्वांटिटी बहुत कम थी। दो लोगों का मुश्किल से पेट भरेगा। हमने ऑर्डर किया था शेज़वान फ्राइड राइस, पनीर चिली ग्रेवी और मैंने एक बियर ली थी, और इसका कॉस्ट टोटल जो बिल था हमें पड़ा 700 रुपीज़, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बजट ट्रिप पर आ रहे हैं तो पहले आप जो भी फूड जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं रोड साइड के, वहाँ एक बार मेन्यू ज़रूर देखें। इसके अलावा आप लोकल वेंडर्स से भी फूड ट्राई कर सकते हैं, जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपके बजट में भी आ सकते हैं। फिलहाल हम अपने रूम में वापस आ गए हैं क्योंकि बारिश रुकी हुई है और धूप निकल आई है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है और थोड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है अगर बारिश रुक जाती है तो जब तक दिन ढलता है तब तक थोड़ा रूम में रेस्ट करते हैं और फिर शाम को यहाँ क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम निकलेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ विज़िट करने की। एक अगर आप बजट टूर प्लान कर रहे हैं कम से कम बजट में, कम से कम का मतलब ये नहीं है कि कई यूट्यूबर्स आपको बता देते हैं कि 5,000 में या 10,000 में कपल टूर प्लान कर सकते हैं आप गोवा, वैसा नहीं कि आप जनरल की टिकट लेके ट्रेन में आ रहे हैं और कहीं भी रुक जा रहे हैं 1-star रेटिंग प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं। मैं जो आपको बजट टूर बता रहा हूँ गोवा का, उसमें हम बेस्ट लोकेशंस वाली प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे और जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से स्टे कर सकेंगे, है ना, आपको व्यू भी अच्छा देखने मिलेगा, फूड अच्छा मिलेगा, तो मैं आपको ऐसी बजट प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा। तो शाम हो चली है और मैं अपने होटल कम गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहा हूँ और गाड़ी उठा करके चलते हैं और देखते हैं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो ये मेरी मोपेड है जो मैंने महज 400 रुपये पर डे के प्राइस पर ली थी, और मैंने इसमें अपना एक स्पोर्ट्स कैमरा भी फिट कर दिया है जिससे आपको रास्ते के कुछ व्यूज़ भी दिखाते हुए चलूँगा। तो हम आ चुके हैं वेगेटर बीच पे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी थी लेकिन पहले सोचा कि वेगेटर बीच चलते हैं, क्योंकि पिछले हमारे जो दो व्लॉग हैं उसमें मैं वेगेटर बीच पर नहीं आया था, मैं ऊपर से ही हमने इसका व्यू देखा था। तो ये बीच थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बीचेस से, बाकी बीचेस में जहाँ सैंड वगैरह आपको ज़्यादा देखने मिलता है, ये बीच थोड़ा रॉकी सा है। आइए आगे चलते हैं। ओ तो ये है वेगेटर। वेगेटर बीच के आसपास हमें कोई बजट प्रॉपर्टी समझ नहीं है, जिसके बाद हम निकले कैलंगुट की ओर। यहाँ रास्ते में आपको आई लव गोवा का साइन बोर्ड भी मिल जाता है जहाँ आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। कैलंगुट से आगे हम निकले बजट और बीच साइड प्रॉपर्टी की खोज में कैंडलम की ओर। यहाँ कैंडलम बीच के बेहद करीब सिल्वर सैंड हॉलीडे विलेज था, जहाँ के कुछ रूम से बीच का नज़ारा दिखता है। हालांकि ये प्रॉपर्टी बजट प्रॉपर्टी के लिहाज से महंगी थी, क्योंकि इसका एक दिन का टैरिफ 3500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक था। Thank you.
कॉटेज रूम है ना सिल्वर सैंड्स का, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। वॉशरूम भी ठीक है, लेकिन तो यह है कैंडोलिम बीच पर सिल्वर सैंड्स हॉलिडे विलेज, जिसका मैंने आपको, जिसके रूम्स मैंने आपको दिखाए। पहले दिन हम काफी थक चुके थे, इसलिए हमने बागा बीच पर ही बने शैक्स पर डिनर व ड्रिंक्स को एंजॉय करते हुए पहले दिन का एंड किया। तो ये था गोवा बजट ट्रिप का पहला दिन। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे कई पार्ट्स में बनाया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और गोवा बजट ट्रिप का पार्ट 2 देखना ना भूलें।